कभी कभी अपने जीवन में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको पहले थोड़ा पीछे जाना होता है। सर यही फिजिक्स है, क्या है समझिए बात। अगर सवाल आपके पास है कि कोई डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, बोलेंगे सर सवाल को तो बाद में करना होगा, पहले ये सोचना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है और उसका एक्सियल पॉइंट क्या होता है। अगर आपको इतना बात पता है ना तो ये सवाल तो कुछ है ही नहीं सर, सिंपल सवाल बन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है बहुत चर्चा तो हम नहीं करेंगे, पर हाँ इतना ज़रूर बात को हम बताएंगे आपको कि अगर कोई चार्ज हो प्लस चार्ज, क्लियर है, और ये पॉइंट हो पॉइंट पी और ये दूरी हो अगर आर, तो सवाल रहे आपके पास कि ये वाला जो चार्ज है सर क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। वापस से सुनिए हम क्या बोले, कोई चार्ज है क्यू और ये पॉइंट है पॉइंट पी जो कि कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, और आपसे पूछा जाए इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वी इक्वल टू होता है के क्यू बटे आर, क्लियर है। हाँ वहीं पर अगर कोई माइनस चार्ज हुआ और ये पॉइंट P और ये दूरी R, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर V बराबर माइनस के क्यू बटे R। मतलब सर बोलेंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर, और कोई नेगेटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर जो कि आर दूरी पर है, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि क्या होता है माइनस के क्यू बटे आर। मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए आपको साइन सहित डालना पड़ता है फॉर्मूला में। बात समझ में आया, क्यों सर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन पोटेंशियल, तो हम लोग इसका डायरेक्शन अलग से देखते नहीं हैं, तो जो साइन होता है वो डाल देते हैं। पहला बात हम लोग कर लिए, कौन सी बात कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। दूसरा बात क्या सर, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो बोलेंगे क्या कि दो चार्ज को, एक माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज को, जब हम लोग कुछ दूरी पे रख देते हैं, जब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को दो बराबर बराबर और विपरीत अपोजिट चार्ज को जब कुछ दूरी पे रख देते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वो दूरी कितना होता है सर, मान लेते हैं हम लोग कि इसके बीच का दूरी कितना है, 2L है, क्लियर, ये क्या बन गया हमारा, डाइपोल बन गया। अगला बात क्या है सर, कहाँ पे निकालना, एक्सियल पॉइंट पे। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दे तो ये क्या हो जाता है सर, एक्सियल लाइन हो जाता है, और इसमें कोई एक पॉइंट ले ले तो वो क्या कहलाता है सर, एक्सियल पॉइंट कहलाता है, क्लियर है। चलिए अब आते हम लोग सवाल पे। सवाल क्या कहता है कि किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है, सॉल्व करना है, डेरिवेशन करना है, क्लियर है। चलो भाई तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक डाइपोल को लेंगे। चलिए लेते हैं एक डाइपोल को। डाइपोल क्या है मेरे पास सर, हम बोलेंगे डाइपोल लिए ए बी, ए बी हमारा क्या, एक डाइपोल है। ओके सर, हाँ तो सर जिसके पास चार्ज कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये चार्ज है 2L, क्या है इसका लेंथ है भाई, किसका लेंथ है, डाइपोल का जो लेंथ है वो कितना है 2L है, और O जो है सेंटर है किसका, डाइपोल का। इतने बातें सिर्फ डाइपोल के लिए, क्या क्या बोले, एक डाइपोल लेते हैं हम लोग, ए बी क्या एक डाइपोल है जिसके पास लेंथ कितना है सर 2L, चार्ज कितना माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड O क्या है सेंटर है। ओके बहुत अच्छा सर, डाइपोल ले लिए। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके एक्सियल पॉइंट पे, P एक ऐसा पॉइंट है जो इस डाइपोल के एक्सिस में है, डैट मीन्स ये पॉइंट P कैसा पॉइंट हुआ, बोलेंगे सर एक्सियल पॉइंट हुआ। चलिए भाई
ये भी हो गया, जो कि ये जो पॉइंट पी है ना वो जो है वो ओ से, ओ मतलब डाइपोल के सेंटर से कितना दूरी पर, कितना डिस्टेंस पर है, तो बोलेंगे सर एक्स डिस्टेंस पे है। जहाँ पर क्या करना है सर, पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर, किसके कारण, ये डाइपोल के कारण, किसके कारण, ये डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहाँ पर सर, पी पॉइंट पर। ओके, सवाल बस यही है, क्लियर है, बहुत अच्छा बात है। ओके, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बारे में बेसिक बात क्या जान रहे हैं हम लोग, कि कोई चार्ज क्यू है, ये दूरी आर है और पॉइंट पी है, जहाँ पर इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू बटे आर, और माइनस चार्ज हो जाता तो माइनस के क्यू बटे आर। ओके, क्या है भाई, ये पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। सवाल को अच्छे से समझिए, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। बहुत अच्छा, आपके पास चार्ज है, यस है, डाइपोल है तो चार्ज है, चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल जो है ना सर, वो स्केलर क्वांटिटी है, फिर उसको सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ देंगे। बात समझ में आया, क्या बोले कि इस चार्ज के कारण पहले यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, हम लोग बोलेंगे सर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर डायरेक्टली जोड़ देंगे, मतलब जैसे दो प्लस दो जोड़ते आए हैं बस उसी प्रकार से जोड़ देंगे, बस फिजिक्स सर यही था। अब कैसे करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर पोटेंशियल निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, बोलेंगे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या चीज़ से दिखाते हैं बाबू, भी से दिखाते हैं, तो किसके कारण सर, माइनस क्यू चार्ज के कारण, क्लियर, माइनस चार्ज क्यू कहाँ पे, ए पे, कहाँ पे निकालना पोटेंशियल, पी पर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, ए मतलब ए पे जो चार्ज है कितना है, माइनस क्यू, क्या होगा फॉर्मूला देख लो वहां से, माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होता है पोटेंशियल, ये माइनस के क्यू बटे दूरी, दूरी का मतलब सर चार्ज से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। अभी देख यहां पर, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो बोलेंगे यहां से यहां तक तो सर एक्स है, ये अगर डिस्टेंस आपको मिल जाए ना तो आपका काम बन जाए, ये डिस्टेंस अगर मिल गया तो आपका काम बन गया। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप बोलेंगे सर 2L है, दिख रहा है आपको सबको, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2L है, ओ सेंटर है, बीच का पार्ट है, तो आधा कितना हुआ, आधा कितना हुआ, तो हम बोलेंगे सर ये आधा जो है वो हुआ हमारा L, हाफ पार्ट, ये क्या हो गया सर L, चलो भाई बहुत सुंदर, और ये आधा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम क्या बोलेंगे L ना, अभी आगे काम देगा, तो बताइए हमको सोच के, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया L, और ये पूरा लाल वाला कितना था X, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सर X प्लस L, बस यही होता है फॉर्मूला दूरी, हाँ कि ना, ये डिवाइड कर दिए हम लोग, चलो इसको बोले क्या इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, बोलेंगे इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो बी पी पर किसके कारण सर, बी के कारण कितना होगा, तो बोलेंगे फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बटे दूरी, बताइए आप सोचो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है सर, बहुत अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल है, पूरा एक्स, यहाँ से यहाँ एल, तो बचा कितना, हम बोलेंगे सर एक्स में से L को हटा दो तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा बाबू L, बुझाया बात, चलो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना सर हमारा वो स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर है, और स्केलर को जोड़ने का विधि क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, टोटल टी ओ टी एल टोटल टोटल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी कैसा पॉइंट है? एक्सिस ना, तो हम लोग बोलेंगे वी एक्सिस क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे वी पी बी प्लस वी पी ए, मतलब सर पोटेंशियल पी पर बी के कारण प्लस पोटेंशियल पी पर ए के कारण, दोनों को क्या कर दीजिए? तो सर आप जोड़ दीजिए। चलिए अब जोड़ते हैं हम, इसका काम तो हो गया है ना, इसको मिटा दें। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। चलो ध्यान देना अब, ठीक बोलेंगे क्या कि तो भी एक्सिस अब क्या हो जाएगा सर? भी एक्सिस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ इसका वैल्यू ये वाला डाल दो के क्यू बाई एक्स माइनस एल, उसके बाद क्या प्लस बी ऑफ पी बी पी ए सॉरी पी ए ये वाला वैल्यू डाल दो यहाँ पर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल, प्लस है माइनस है बोलो क्या हो जाएगा? ये हम लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। हाँ भाई अब करना है सॉल्व, फिजिक्स वाला तो काम खत्म कर दिया अपना, अब है ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। चलिए तो बोलेंगे वी एक्सिस बराबर क्या होगा? के क्यू यहाँ पर भी है और के क्यू यहाँ पर भी है, हम क्या करेंगे के क्यू को कॉमन निकाल देंगे। चलिए निकाल दिए, अंदर क्या बचा? वन बाई एक्स माइनस एल माइनस वन बाई एक्स प्लस एल, बहुत सुंदर। अब सर ये है x माइनस एल, ये x प्लस एल, एल सी एम ले लेंगे हम लोग इसका। चलिए ले लेते हैं तो भी एक्सिस बराबर क्या होगा? के क्यू तो बाहर निकला हुआ है, अंदर ये वाला है एल सी एम लीजिए, तो x माइनस एल एक्स प्लस एल, इसको इधर इसको इधर सॉल्व करने आता आपको, x प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, ब्रैकेट बंद। चलो यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं सर इसको हम लोग? बोलेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे के क्यू यहाँ देखो x प्लस एल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाई क्या दिखता है? ध्यान देना, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स खत्म, एल एल मिला के सर 2l, ब्रैकेट को इसको बंद कर देते हैं। तो बताइए के क्यू एक्स एक्स खत्म एल एल मिला के सर 2l बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। बहुत अच्छा सर, अब बताना हमको बात, के क्यू बाहर था ना, ऊपर गुणा कर देते हैं इसको हम लोग, तो क्या दिखेगा? के क्यू इंटू टू एल बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, ओके अब क्या करेंगे? आगे हम थोड़ा सा मिटाए, यहाँ बना देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? चलो अब बताइए, ठीक तो बोलेंगे सर भी जो है एक्सिस में, भी जो है वो एक्सिस में क्या होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ ध्यान दीजिए, Q इंटू टू एल बराबर क्या होता है? P, डेट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू टू एल को हम क्या लिख देंगे सर? P लिख देंगे, डाइपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू? डिवाइडेड बाई क्या है? x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ये आ गया हमारा रिजल्ट, क्लियर है? बहुत सुंदर सर। अब क्या करना है इसमें, ये ध्यान दीजिए, फोर शॉर्ट डाइपोल, फोर शॉर्ट s h o r t शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अगर x बहुत बहुत बड़ा हो किससे बताओ l से,
तब क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे वी एक्सिस बराबर होगा के पी बटे, अगर एक्स बहुत बड़ा है ना एल से तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अरे आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट का क्या होता है जी फॉर्मूला? हम लोग बोलेंगे सर के पी बटे एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आया? चलो ठीक है, फिर बात समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोशिश करिए फिर से वीडियो को देखने का, हम तो कोशिश किए आपको पूरा समझाने का। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।